आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण को लेकर समर्पण निधि अभियान पूरे प्रदेश समेत ताज नगरी में भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में समर्पण निधि अभियान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भगवान श्री राम की भव्य रथ यात्रा शाहगंज बाजार में निकाली गई। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। वर्षों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। मंदिर निर्माण में सभी की भागीदारी हो, इसके लिए सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान देश भर में जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ताज नगरी में भी बीजेपी ब्रज मंडल द्वारा भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। भगवान श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण में ताज नगरी के लोगों की भागीदारी तय करने के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली निकालकर लोगों को निधि समर्पण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। करो हिंदू आस्था का प्रतीक आज रामलला के मंदिर के भव्य निर्माण के लिए जो जागरूक यात्रा है, ये राम भक्त है, ये बहुत सनातनी परंपरा के अनुयायी है, जिनके माताओं ने, जिनके पिताओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर रामलला का मंदिर बनाने का संकल्प लिया था, आज वो पूरा हो रहा है। और हिंदू सड़कों पर जन सैलाब की तरह उमड़ा है और आप देख रहे हैं जिस तरह से पड़क मामले बिछाकर स्वागत कर रहे हैं, ये रामलला के चरणों में उनका वंदन है, अभिनंदन है। ऐसे हमारे राम जो हमारे हृदय के प्रिय राम है, आज वो अपनी जन्मभूमि विराजने जा रहे हैं। आज करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रामचंद्र जी का मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए आज हम आरएसएस और भाजपा के साथ प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। उस प्रभात फेरी में राजा रामचंद्र जी के नारों से आज पूरा भगवामय हो गया, आप देखना चाहते हैं। बच्चे बच्चे में जोश है, बच्चा बच्चा राम का है और ये राम का बच्चा बच्चा और अपना आंशिक दान देकर उस मंदिर को बनाएगा। जय श्री राम। इसी कड़ी में शागन बाजार में बाजार के व्यापारी और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा भगवान श्री राम की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने इष्ट भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण के प्रति जागरूक करना है। आप देख रहे होंगे कितनी श्री राम जय श्री राम की रैली निकल रही है, बहुत स्वागत समारोह हो रहा है। पूरे शागन बाजार ने फूलों की बरसात कर दी है और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। व्यापारियों को दिल खोल के सहयोग रहेगा, दिल खोल के सहयोग दिया जाएगा। आज का जो ये जनजोहार है अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए वो जो निधि संग्रह होना है उसके लिए आह्वान के रूप में ये यात्रा निकल रही है और इस यात्रा को शागंज निवासियों ने सफल बनाया है, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्री राम की यात्रा में हमने श्री राम का और उनके भक्तों का बाजार कमेटी की तरफ से बहुत अधिक से अधिक स्वागत किया है और फूलमाला पहनाकर आगे चलने की प्रेरणा श्री राम से मांगी है, जिससे कि वो हमें आगे प्रेरणा देते रहे, जिससे हम उनके पद चिन्हों पर चलते रहे। आज शागंज के पूरे क्षेत्र पे राम नाम की शोभा यात्रा निकल रही है, इसी से हमारे मंदिर का निर्माण होगा और मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ देशवासियों से कि बढ़ चढ़ कर राम मंदिर में हिस्सा लें। शागन बाजार में स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये भव्य रैली निकाली गई, जिससे बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जोश देखने को नजर आया। जगह जगह रैली का फूल वर्षा कर स्वागत किया गया, तो वहीं बाजार के व्यापारियों ने भी भगवान श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर निर्माण में अपना बढ़ चढ़कर सहयोग देने की बात कही। अनिल, सी न्यूज आगरा।